हेलो सेपियंस, स्वागत है आपका हमारे नए वीकली साइंस न्यूज सीरीज में, जिसका नाम है साइंस इवॉल्व दिस वीक। वैसे तो न्यूज हम सभी देखते हैं, लेकिन अक्सर न्यूज ऐसे होते हैं जिनका हमारे लाइफ पर कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में न्यूज वही होता है जो या तो सोशल एविल है या फिर पॉलिटिक्स स्पॉट या स्टारडम। अब तो टेक न्यूज भी आने लगे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी साइंस का बस एक छोटा सा पहलू है और कुछ नहीं। और इस ब्रेकिंग न्यूज और बायस्ड जर्नलिज्म की होड़ में साइंस न्यूज, जो कि कई बार जितने पब्लिक अटेंशन के हकदार होते हैं उतने अटेंशन गैदर नहीं कर पाते। इसके प्रूफ भी अक्सर ही आपने देखे होंगे, टीवी न्यूज से या फिर न्यूज़पेपर में भी किसी नए साइंटिफिक डेवलपमेंट की स्लाइड सबसे अंत में डालते हैं, और वो भी बिना किसी हाईलाइट के, क्योंकि वहां के सारे हाईलाइट्स तो पॉलिटिक्स, फिल्म स्टार्स, रेप्स, मर्डर्स जैसे न्यूज ले चुकी होती हैं, फिर किसे परवाह साइंस की। बट हाँ, जब वही साइंस टेक्नोलॉजी बनती है तो उसे हम यूज जरूर ही करते हैं, और मुझे इसका मलाल हमेशा से था। सो इसीलिए इस फील्ड में मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव, जो फिलहाल तो वीकली ही रहेगा पर आगे आपके रिस्पांस पर डिपेंड करेगा, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे जितना हो पाए शेयर कीजिए, ताकि हम एक इंटेलेक्चुअल और अवेयर सोसाइटी की तरफ कदम बढ़ा पाएँ। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला साइंस अपडेट अपने इसरो की तरफ से ही है, जिसके चीफ ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वे स्पेस में 2030 तक खुद का एक स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं। अगला अपडेट भी इसरो की तरफ से ही है कि इसरो चीफ ने मिशन चंद्रयान 2 की ऑफिशियल लॉन्च डेट रिलीज कर दी है, जो कि 15 जुलाई सुबह 2:51 पर है। और जिस तरह से इसरो ने इतने कम दिनों में खुद को वर्ल्ड के सामने जिस मजबूती से प्रेजेंट किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। आशा करते हैं इस मिशन को भी इसरो सक्सेसफुली अंजाम दे पाए। नेक्स्ट अपडेट जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी की तरफ से है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के फील्ड में। जब से हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाए हैं, तब से उन्हें ऑपरेट करने के लिए हमें हाई मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स की जरूरत पड़ती रही है। और अभी हाल ही में इन साइंटिस्ट ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसके कारण हम नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड देकर ही एक क्लियर इमेज ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि जर्मनी से है। वहाँ के कुछ साइंटिस्ट ने वहाँ की गायों की इंडिजिनस वेराइटी पर रिसर्च में एक नए टाइप का माइक्रोब खोज निकाला है, जो ना तो वायरस की तरह बिहेव करता है और न ही बैक्टीरिया की तरह। फिलहाल वे इसे नोवेल पैथोजन बोल रहे हैं। अगली न्यूज मून से रिलेटेड है। दरअसल यूएस के कुछ साइंटिस्ट ने मून के सबसे बड़े क्रेटर के नीचे एक मिस्टीरियस मास खोज निकाला है, जिसके कारण मून का मैग्नेटिक फील्ड अल्टर्ड होता है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये शायद एस्टेरॉयड के रिमेंस हैं जो किसी डिस्टेंट गैलेक्सी के थे। अगला अपडेट भी मून से ही रिलेटेड है। हुआ कुछ ऐसा है कि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने अपोलो 10 के लूनर मॉड्यूल को फिर से खोज लेने का दावा किया है। दरअसल मॉड्यूल अपोलो 11 मिशन के प्रैक्टिस के लिए था और काम के बाद स्पेस में छोड़ दिया गया था। देखते हैं आगे चलकर क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाता है इसका। नेक्स्ट अपडेट नासा की तरफ से आता है कि नासा 24 जून को 2 मिनी सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है, जो कि ऑर्बिट में स्टडी करेंगे कि आखिर एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में जीपीएस या फिर एयरलाइन सिग्नल्स के डिस्टॉर्शन का क्या कारण है। अगला अपडेट स्पेसएक्स की ओर से है, और हाल ही में स्पेसएक्स अपने फाल्कन 9 सीरीज के रॉकेट से कैनेडियन स्पेस एजेंसी के लिए एक सैटेलाइट रडार सेट लॉन्च किया है, जो कि ऑर्बिट में नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज और मिलिट्री सर्विलांस पर काम करेगा। नेक्स्ट अपडेट आईआईटी मंडी से निकलता है कि वहां की एक टीम ने हाई टेम्परेचर पे गोल्ड और सिल्वर में नल रेजिस्टेंस ऑब्जर्व किया है। देखते हैं आगे क्या कुछ हम कर पाते हैं इसका यूज करके। अगला अपडेट शायद नियर फ्यूचर में हमारी काफी मदद कर सकता है। एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट ने एक नए टाइप का हाइब्रिड माइक्रोब डेवलप किया है, जिससे कई तरह के प्लास्टिक और फ्यूज बनाए जा सकते हैं। अब देखना यह है कि इसका यूज हम कैसे, कब तक और कहां कर पाते हैं। अब आते हैं अगली न्यूज पर, यह नासा की तरफ से है। नासा एक मार्स हेलीकॉप्टर बनाने में जुटा था, और अब ये हेलीकॉप्टर अपनी फाइनल टेस्टिंग में है। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये हेलीकॉप्टर पहला ऐसा मैनमेड व्हीकल होगा जो किसी दूसरे प्लैनेट पर फ्लाई करने में एबल होगा। चलते हैं आज के फाइनल अपडेट की तरफ, जो अगेन नासा से है। नासा अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कॉमर्शियल यूज के लिए खोलने की सोच रहा है, क्योंकि ISS की फंडिंग बस 2025 तक की ही है, और ऐसे में SpaceX जैसी प्राइवेट एजेंसीज भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगी मिशंस के लिए। और इसी को लेकर एक रफ फिगर निकलता है कि एक प्राइवेट स्पेस टूर की अप्रॉक्स एक्सपेंस अराउंड $50 मिलियन होगी। आप बताएं कि आप इतना एक्सपेंसिव टूर अफोर्ड करने के प्लान में हैं क्या। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अप्रिसिएट करने के लिए प्लीज लाइक करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। वाइवला साइंस।